Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास है पोको का X5 Pro और मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो किस किस तरह से ले सकते हैं। फ्रेंड्स इस फोन के अंदर आप 7 अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट बना सकते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन जब आप एक साथ प्रेस करते हैं तो आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। इसके अलावा इस फोन में 3 फिंगर से भी स्क्रीनशॉट लेने का सपोर्ट मिल जाता है तो 3 फिंगर से इस तरह से डाउन करने पर भी स्क्रीनशॉट को बना पाएंगे। अगर आपको इस फोन में चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट तो आप उसको भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक और अमेजिंग फीचर मिल जाते हैं इस फोन के अंदर, जैसे कि आप क्रॉप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस एरिया का तो वो भी ले सकते हैं। तो पहले बात करते हैं लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे ले पाएंगे। तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, स्क्रॉल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहां क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। अगर चाहें तो अपने हिसाब से भी इसको स्क्रॉल करा सकते हैं, जितना लॉन्ग करना है इस तरह से स्क्रॉल कराइए और डन कर दीजिए। जिसके बाद प्रोसेसिंग होगी, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, इसको यहाँ क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट मतलब क्रॉप स्क्रीनशॉट बनाना तो वो भी बना सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड रखना होगा तो कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे आप जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरह सेलेक्ट करना होगा तो आपका इस तरह से ही स्क्रीनशॉट बन जाएगा। यहाँ सेव कर दीजिए तो स्क्रीनशॉट इस तरह से आप ले पाओगे। यहाँ गोल टाइप स्क्रीनशॉट को भी आप बना सकते हो मतलब सर्कल बना सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर 3 फिगर से फिर से होल्ड रखिए, यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा इसको सेलेक्ट कीजिए। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेव, इस पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो इसके लिए फिर से स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड रखना है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अब किस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए इस तरह से उसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से भी आपका स्क्रीनशॉट इस फोन में बन जाता है। आपका जो कंट्रोल पैनल रहता है यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ क्लिक करके इस तरह से ओपन कीजिए या क्लिक कर दीजिए तो भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर आपको देखने मिल जाते हैं इस फोन के स्क्रीनशॉट से रिलेटेड, जिनका यूज करके इस फोन में आप अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।